विभुमीरप अनलोपायु समबुद्धि मनरीवत अहंकार इति अंग में विद्धि भिन्ना प्रकृति अर्थधा अपरायम इतस्तु विद्धि में प्रकृति परा। तो भगवान जी के द्वि प्रकार की प्रकृति अपरा और परा। जब अपरा प्रकृति में मैं आकृष्ट रहता हूं उस समय जो धर्म जाजन करता हूं वो अपराध है। जैसे हम लोग समझते हैं कि हमारा धर्म है हिंदू धर्म, कोई समझता है कि हमारा धर्म मुसलमान धर्म क्रिश्चियन धर्म, कोई समझता है हमारा धर्म है देश की सेवा देश धर्म, कोई समझता है हमारा समाज की सेवा या हमारा धर्म। तो ये सब जितने धर्म है क्योंकि ये शरीर से संपर्कित है इसलिए सब अपराध है निकृष्ट धर्म। तो निकृष्ट धर्म में रहने से ठीक धर्म जागरण होता नहीं। इसको शास्त्र में कहते हैं कैतव धर्म। कैतव का अर्थ होता है छलना चीटिंग। भागवत में पहली कह दिया कि धर्म प्रोज्जित अत्र कैतव। जो जितना चीटिंग धर्म है छलना पूर्वक धर्म है ये न धर्म के नाम से चलता है असल में धर्म नहीं। पहले थोड़ा समझिए कि धर्म किसको कहा जाए। धर्म शास्त्र में कहते हैं धर्मं तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म जो भगवान की वाणी है भगवान का जो हुक्म है वो है धर्म। क्यों जीव है भगवान का अंश मात्र ममैवान से जीव भूत। जैसे कई दफे आप लोग को सामने प्रस्तुत किया ये जैसा हमारा अंगुली है ये शरीर का अंश है और मैं चाहता हूं अंगुली थोड़ा सिर में हमको खुज जाओ तो अंगुली इसी भगत शुरू कर पैर में थोड़ा ऐसा करो। जैसा ये अंश का उचित है पूर्ण का हुकुम मानना और वे बहुत सा उदाहरण हो सकता है। जैसे गवर्नमेंट कुछ हुकुम दिया आपको विधानसभा में सभापति जो हुकुम देगा उसको मानने पर इसी प्रकार कोई कानून तो धर्म का अर्थ होता है जिसको आप छोड़ नहीं सकता। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं गवर्नमेंट का कानून नहीं मानो नहीं फिर आपको तकलीफ में पड़ने दुखी हो गवर्नमेंट शासन कर। तो धर्म क्या चीज है। धर्म ही चीज है जो भगवान बना दिया उसका नाम है धर्म। जैसा भगवान बना देते हैं जैसा इमली है वो खटाई और ईख है वो मिठाई है ये भगवान बना दिया। पानी जो है वो तरल है और पत्थर जो है वो कठिन है ये कौन बना है भगवान बना दिया। तो पत्थर है और कठिनता है नहीं ऐसा हो नहीं। जहां पत्थर रहेगा वो कठिनता रहेगा जहां पानी रहेगी उधर तरलता रहेगी जहां अग्नि है उधर ताप है प्रकाश है। तो धर्म इसी प्रकार है इसको समझना चाहिए। धर्म ही नहीं है मनमाफी कुछ धर्म हम बना लिया धर्म। धर्म का अर्थ यह है दृढ़ मन जो कि जो चीज साथ साथ में रहता है। जैसा आपका हाथ में थोड़ा सा चीनी कोई दिया
आप जानते हैं इसका धर्म है मिठाई। अगर वो चीनी को आप आस्वादन करके देखते मीठा में, अरे क्या थे, ये तो चीनी है, क्योंकि वो धर्म नहीं है। इसी प्रकार समझना चाहिए कि जीवात्मा का धर्म क्या है। सब चीज का अलग अलग धर्म है, तो जीवात्मा जो है भगवान का अंश है, उसका धर्म क्या है? अंश का धर्म है पूर्ण की सेवा, यही धर्म भगवत सेवा, यही असल धर्म। इसलिए शास्त्र में कहते हैं सभी पुंस करो धर्म जतो भक्ति रधो खजी। धर्म तो ऐसे बहुत से हैं नाना प्रकार के, बाकी वो शास्त्र में कहते ये सब चीटिंग धर्म, ये सब धर्म। इसलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माने कम शरण, क्योंकि वो चीटिंग धर्म में सब पड़े हुए हैं। इसलिए भगवान खुद आकर के उनको सिखा रहे हैं कि ये धर्म है। भगवान क्यों आते? धर्म संस्थापना था, धर्म को संस्थापन करने के लिए। जदा जदा ही धर्म से ज्ञानी भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्म से तदात्मानम सृजामहम परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृता। धर्म संस्थापना था जुगे जुगे सम्मान। तो भगवान तो आते हैं धर्म संस्थापन करने के लिए। ये भगवान का अवतार का अर्थ होता है कि वो धर्म संस्थापन कर। और फिर जाके भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, यदि भगवान धर्म को संस्थापन करने के लिए आए हैं, फिर सब धर्म को छोड़ने को क्यों कहते हैं? ये विचार करने, छोड़ने के लिए इसीलिए कहते हैं वो सब धर्म नहीं है, वो सब चीटिंग है। हाँ, धर्म कोई तब कोई तब अर्थात छलना चीटिंग, जिस धर्म में भगवत भक्ति सिखाया नहीं जाता, भगवान का चरण में शरणागति सिखाई नहीं जाती, वो चीटिंग धर्म। स्पष्ट बताते सभी पुंस परो धर्म, वही श्रेष्ठ धर्म, उत्कृष्ट धर्म, जिस धर्म द्वारा भगवत भक्ति सिखाया गया। जतो भक्ति अधो खजे, तो भक्ति का अर्थ होता है भगवान और भक्त, और बीच में कार्यक्रम जो है उसका नाम है भक्ति। सब एकाकार नहीं, भगवान भी मौजूद है, भक्त भी मौजूद है, और भक्त से भगवान से जो कार्यक्रम है उसके नाम है भक्ति। और वो भक्ति कैसी अहोई तो की जे भगवान हमको कुछ देंगे, भगवान से कुछ अदा करना है, इसलिए मैं भक्ति कर रहा हूं। नहीं, वो शुद्ध भक्ति नहीं। भक्ति अहोतु की कोई हेतु, हाँ, भगवान हमारा प्रभु है, हमारा काम है भगवान की सेवा, ये शुद्ध भक्ति। अहोतु की जैसा ये उंगली हमारा अंश है, हम 10 दिन इसको खाने को नहीं देंगे, बाकी सेवा करें। उंगली नहीं कहेंगे आप तो हमको खाने को नहीं दिया, हम सेवा नहीं करें। नहीं, भगवान चाहे जिस अवस्था में हमको रखे, हमारी काम है सेवा। जैसा महाराज कुलशेखर मुकुंद महाराज स्तोत्र में कहते, जज्जत भव्यं भवितुम, जो होने वाला है हमारा कर्म फल का अनुसार वो होने दी, वो हम परवाह नहीं करते, बाकी हमारा मन सब समय आपका चरण में अर्पित रहे, यही मैं चाहता हूं। श्री चैतन्य महाप्रभु भी सिखा रहे हैं, न धनंग न जनंग न सुंदरी कवितांग बा जगदीश कांग, ये जो
आरती गीत गाते हैं जो धन घर आवे जय जगदीश, जगदीश का भजन करते हमारा धन घर में आए। ये शुद्ध भक्ति नहीं, ये हो तो कि मैं भगवान का आरती कर रहा हूं, भजन कर रहा हूं, कीर्तन कर रहा हूं, इसलिए मैं हमको धन घर आवे, ये शुद्ध भक्ति नहीं है, ये विद्या भक्ति है, ज्ञान कर्म का आश्रय है। धर्मी लोग जैसा कुछ प्रॉफिट मांगता है, इतना जो परिश्रम करते हैं कर्मी लोग, उसका अगर कुछ प्रॉफिट ना हो, कुछ लाभ ना हो, तो वो कहते बेकार के काम है क्या। परंतु भक्ति जो है इस प्रकार भौतिक प्रॉफिट लाभ करने के लिए, भौतिक लाभ करने के लिए नहीं, जो हमारा पास अभी 1000 रुपया है भगवान की भक्ति करके मैं 10,000 कर लूंगा, 1,00,000 रुपया कर लूंगा, इसको भक्ति नहीं कही जाती है, परंतु भजन कहा जाता है। चतुर्विधा भजन थे मांग सुकृति और सुकृति भजन, ये जो भजन है ये सुकृति मान करते हैं, ये भी पुण्य मान करते हैं। भगवान का पास मंदिर में जाते हैं, भगवान का पास जाते हैं कुछ मांगने के लिए, उसको भी शास्त्र ने पुण्यवान कहा सुकृति, क्योंकि जो पापी है वो भगवान का पास जाते ही नहीं, इसलिए अगर भगवान का पास कोई कामना लेके जाए तो वो भी पुण्यवान। सिन्नतांग सकथा कृष्ण पुण्य सेवन कीर्तन, कोई भी भाव से अगर भगवान का नाम गुण लीला परिकर वैशिष्ट श्रवण किया जाए तो वो पुण्य होता, बाकी भक्त के लिए पाप पुण्य नहीं, पाप भी बंधन का कारण है, पुण्य भी बंधन का कारण, इसलिए भगवत भक्त जो है पाप पुण्य का ऊपर है। वो पाप पुण्य से उनसे मतलब नहीं है, उनका मतलब है भगवान को संतुष्ट करें, उसमें पाप है पुण्य है ये परवाह नहीं है। इसलिए कहते हैं शुद्ध भक्ति का जो विचार है, अन्नाभिलाषिता सुन्नम, कोई अभिलाष नहीं, बिल्कुल सुन्न, अन्नाभिलाषिता सुन्नम, ज्ञान कर्मादनावृतम, और ज्ञानी लोग का विचार है निर्भेद ब्रह्मानुसंधान, ये ब्रह्म से मिल जाए एक हो जाए, ये ज्ञानी का विचार, ज्ञान कर्म, और कर्मी का विचार है हमको भौतिक सुख खूब मिले, हमको सब लोग प्राप्त हो जाए, जन लोग महलोक खूब अच्छी तरह से खाने को मिले, ये कर्मी का विचार है। बाकी भक्ति का जो विचार है वो ज्ञान कर्मानावृतम, ज्ञान का कर्म का जो फल है उससे अतीत, जैसा श्रीधर स्वामी बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवत में जहां धर्म प्रोजित कोई दब अत्र, उधर सिद्ध स्वामी कहते हैं अत्र श्रीमद् भागवते मुख्य वांछा अभिसंधि पर्यंतम निरस्त, जो मोक्ष कामना करते हैं वो भी निरस्त है, वो भी ठीक नहीं, मोक्ष के ऊपर, इसको कहा जाता है हेतु की अधो खजे सभी पुंसां करो धर्म जितो भक्ति अधो खजे अहित की अप्रतिहता। इस प्रकार अहित की जो भक्ति है वो कभी प्रतिहत नहीं हो सकता है, जी साहब हम तो गरीब है, हम कैसे भक्ति जाग न करें, अभी तो पेट के लिए धंधा कर रहा हूं, नहीं, अप्रतिहता, चाहे आप गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे मूर्ख है, जो कोई है, चाहे नीच है, चाहे पापी है, सबके लिए खुला, अहित की अप्रतिहता, कोई प्रतिहत नहीं हो सकता, केवल चाहिए हमको निश्चित करना कि आज से मैं भगवान का चरण में अर्पित हो जाऊंगा, काम कर, ये बात नहीं है हम मूर्ख है, अभी वेदांत पढ़ूंगा, ज्ञान लाभ करूंगा, तब जाकर के हम भगवत भक्ति करूंगा,
कि हम गरीब है, अभी हमको 2-4 लाख 10 रुपया 10 लाख रुपया कमाने दो, फिर भक्ति करूंगा। अभी हम बालक है, अभी हम भक्ति कैसे करूंगा, ये समय बालक भी कर सकता। देखिए ये एक बालिका 4 वर्ष उम्र है, देखिए नाच रहे अप्रतिहता, ये बात नहीं है, ये बालिका है, छोटी है, उसको अभी ज्ञान लाभ करने पड़ेगा और उसको और सब काम करने पड़ेगा, तब भक्ति नहीं, इमीडिएटली। क्योंकि इस जगत में बालक और वृद्ध का क्या विचार है, सभी वृद्ध है, सभी बालक, कोई बालक है इसकी कोई गारंटी है क्या, 100 वर्ष जिएगा नहीं। जब जीवन है, प्रहलाद महाराज कहते हैं दुर्लभांग मान संग जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम, ये जो मनुष्य जीवन है एक तो दुर्लभ, बहुत मुश्किल से मिला, 84 लाख की जूनी भ्रमण करते 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 एक अगर वृक्ष हो गया तो 10,000 वर्ष खराब। अमेरिका में वो सैन फ्रांसिस्को में बगीचा में देखा, उसको परिचय दिया, ये 7,000 वर्ष उसको परमाणु अभी तकड़ा, अभी चाहे और 7,000 वर्ष और जिए, तो इस प्रकार जीवन मिलता है। ऐसे लंबा चौड़ा जीवन मिलने से क्या लाभ है। बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि मनुष्य समाज को ज्यादातर के जिंदा रहे, तो जिंदा रहने से क्या फायदा होगा, ऐसे तो पेड़ भी जिंदा रहे, जिंदा चाहे 2 ही बरस रहो, भगवत भक्ति लाभ कर लो तब जीवन सफल, नहीं तो पेड़ का ऐसे 10,000 वर्ष खड़ा रहने से क्या लाभ। शास्त्र में से विचार के तरबो किम न जीवंती, ये जो वृक्ष है ये क्या जीता नहीं है, और अगर कोई कहे जीता है, बाकी ये जो मैथुन सु इनको नहीं, तो शास्त्र जवाब देते हैं कि कुत्ता सुअर करके मैथुन सुख है नहीं। इसी प्रकार सब विचार किया, तो मनुष्य जीवन का उचित है सभी पुंसान करो धर्म जतो भक्ति अधोखजे, भगवान का नाम है अधोखज, ज्ञान का पर्याय है प्रत्यक्ष परोक्ष अपरोक्ष अधोखज अप्राप्त, सब ज्ञान एक नहीं है, साधारण व्यक्ति का ज्ञान जो है प्रत्यक्ष हो, सामने आंख में जो कुछ देखता है उसको ही समझता है सत्य वस्तु, और सब नहीं था वो प्रत्यक्ष हो गया, बाकी ये ज्ञान ठीक नहीं। हमारा प्रकृति मह कोई नाम है, हम आंख से कभी देखा नहीं, तो उसका मतलब वो क्या नहीं है कि नहीं थे। इसी प्रकार भगवान को अगर हम देखता भी नहीं, उसका मतलब नहीं है कि मैं कह दे भगवान है, ये हमको भगवान को दिखाओ, अरे तुम भगवान को कैसे देखोगे, पहले तो प्रैक्टिस करो कैसे भगवान को देखने होता है। प्रेमान्जन छुरी तो भक्ति विलोचने ना संत सदैव हृदय विलोकन, भगवत प्रेम लाभ करो, किस तरह से भगवत प्रेम लाभ करना होता है उसको सीखो, आस्ते आस्ते बढ़ो, भगवान को जरूर देखोगे, कैसे देखोगे, प्रेमान्जन छुरी तो भक्ति विलोचने ना संत सदैव, 24 घंटा भगवान ही खाली देखो, खाली आंख बनाओ। वो आंख बनाने का तरीका क्या है, सर्वपाधि विनिर्मत तत्परते न निर्मलो, ये जो अभी हमारा आंख है, आंख से मैं देखता हूं, अति क्या देख रहा हूं, ये हमारा देश है, हमारा फैमिली है, हमारा शरीर है, हमारा बच्चा है, हमारा पुत्र है, हमारा धन है, यही सब देख रहा। अब जब देखोगे कि ये शरीर भी भगवान का है, ये धन भी भगवान का है, ये देश भी भगवान का है, जो कुछ देख रहे हैं, तो जैसा भगवान सिखा रहे हैं रसो हम अब सुकौनते, कि ये जो पानी पीते हो, ये पानी का जो रस है मैं हूं,
इसी प्रकार देखने शुरू करो। पानी तो सब कोई पीते हैं, जब पानी पियो आस्वादन करो, उसी प्रकार भगवान को देखो। देखो जी ये जो आस्वादन है ही भगवान। प्रभास्मी शशि सूर्य, इस प्रकार शास्त्र में जैसा भगवान खुद निर्देश दे रहा है, इस प्रकार देखने को शुरू करो। सर्वपादी भी नहीं मतम, अगर ये देखते हो पानी को कि हमारा देश की पानी है, और जो भगवत भक्त है देखता है ये जो पानी का रस है ये भगवान है, इतना ही फर्क है। प्रेमान्य में छुरी तो भक्ति विलोचने, इसी प्रकार भगवत भक्ति, भगवत अर्थात भगवत प्रेम, सब समय भगवान का स्मरण श्रवण कीर्तन श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम, अनेक प्रकार के भगवान सुविधा दिए। वो अनेक प्रकार सुविधा ले चाहे एक ले, एक ले। जैसा इधर है, इधर श्रवण भी होता है, कीर्तन भी होता है, भगवान का अर्चन भी होता है, दास भी होता है, सख भी होता है, सर्वात्म सफलम भी है, इधर सब है। नवदा भक्ति पूर्ण, अगर ये पूर्णता कोई नहीं कर सकता है तो भगवत भक्ति ऐसी अप्राकृत वस्तु है जो नवदा का भीतर नौ करो, आठ करो, सात करो, छह करो, पांच करो, आगे एक कम से कम एक भी तो करो। जैसा ये श्रवण का सुविधा, ये जो आप लोग सब जगह में केंद्र खुल रहा, क्यों? ये आदमी को श्रवण का सुयोग दिया जाता है कि कम से कम इधर आए कुछ सुने, वो सुनते सुनते हो जाए। जैसा परीक्षित मारा श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित अभवत भैया सखीकीत, जो परीक्षित महाराज जब उनको मरने का समय हुआ, सात दिन नोटिस मिला, देखो जी सात दिन में तुमको मरने पड़े, तो ब्राह्मण बालक उसको सांप दे दिया, वो तुमको मरने पड़े, बड़ा अन्याय किया, उसी से कलयुग शुरू हो गया। तो उनको सात दिन टाइम मिला, तो सात दिन क्या करनी चाहिए? तो सब बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े सब देवताओं का सतावड़ा पृथ्वी के सम्राट सब पहुंच गए, तो उस समय सुखदेव गोस्वामी पहुंच गए, क्योंकि परीक्षित महाराज भक्त थे और सुखदेव गोस्वामी उस समय पहुंच गए कि रक्त भारी भक्त है, जब प्राण त्याग करेंगे मैं उनसे थोड़ा देख गया। उनके पिताजी व्यास देवी मौजूद थे, तो अनेक प्रकार ऋषि नाशो ऋषि नाशो मुनि जस मतम न भिन्नम, अनेक प्रकार परीक्षित महाराज पूछा कि अब अंतिम समय में हमको क्या करनी चाहिए। तो कोई कहा आप योग करिए, कोई कहा ध्यान कीजिए, कोई कहा आप ध्यान कीजिए, कोई कहा कर्म कीजिए, कर्म कांड का कीजिए। बाकी सुखदेव गोस्वामी ने बताया, महाराज आप केवल भगवान का कीर्तन सुनिए, श्रीमद भागवत सुनिए। तो सब ऋषि लोग सहमत हो, जो ये जो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं यही थी। तो महाराज सुना और कुछ कार्यक्रम नहीं किया, केवल बैठकर भागवत सुना। इसीलिए श्रवण है परीक्षित, परीक्षित महाराज केवल श्रवण करके ही वो मुक्त हो गया, भगवान का चरण उसको प्राप्त हो गया। और सुखदेव गोस्वामी केवल कीर्तन कर, ये कीर्तन ये जो हम अभी आप लोगों को सुना रहा हूं ये भी कीर्तन। कीर्तन का अर्थ नहीं है कि ढोल और झांझ लेकर के कीर्तन हो, कीर्तन कीर्तयति, भगवान का गुणगान जहां विचार होता है वो भी कीर्तन। तो सर्वनाम कीर्तनम विष्णु हो, और किसी का नहीं। जब हम लोग मीटिंग में जाते हैं, हाँ कोई पॉलिटिकल लीडर का विषय सुनते हैं, वो श्रवण में श्रवणाम कीर्तनम विष्णु, इसमें काम बने। और नहीं तो वो यूनाइटेड नेशन में केवल श्रवण कीर्तन ही होता है, अनशन इधर उधर बकता है ऐसा 20 वर्ष से पीस स्थापन करने के लिए, वो श्रवण से कुछ काम नहीं, वो चाहे हजारों वर्ष करते जो, ये श्रवण से काम। श्रवणाम कीर्तनम विष्णु, ये शास्त्र का विषय, इसका मीटिंग बनाइए, इसका असेंबली बनाइए,
इसका भी ये जो अग्नि जल रहा है ये मेरे बाप ने, तो ये सब विचार है, शास्त्रीय विचार है, बड़े बड़े आचार्य का विचार है, इसको छोड़ ना दीजिए, इसको ग्रहण कीजिए। ये सब निर्भूल विचार, साधारण व्यक्ति का चार दोष होता है, भ्रम प्रमा करुणापटक और विप्रलेखन, और जो मुक्त व्यक्ति है, इसीलिए 5000 वर्ष पहले ये भागवत तो लिखा गया था और भगवत गीता भगवान स्वयं बताए थे, वो पुरानी नहीं हुई है, वो आज तक नवीन है। आज तक उसमें बड़े बड़े ऋषि लोग आचार्य लोग उसमें लाभ उठाता है। इसका क्यों, ये कोई मूर्ख बद्ध जीव का लिखा नहीं है, ये मुक्त जीव का लिखा है जिसका चार दोष नहीं है, भ्रम प्रमाद विप्रतिष्ठा करना, इसलिए शास्त्र उसको माना जाता है। देखिए भगवत गीता में, भगवत श्रीमद भागवत में बुद्ध देव का विषय लिखा कि तेषु भविष्यति, क्योंकि 5000 वर्ष पहले श्रीमद भागवत को रचना की गई थी और बुद्ध देव आज से 2500 वर्ष पहले उनका जन्म हुआ, इसलिए भागवत में भगवान का अवतार जहाँ वर्णन है बुद्ध देव को भी नाम दिया है, परंतु लिखता है भविष्यति, आगे जाकर के हो, इसका नाम है शास्त्र। त्रिकालज्ञ, तीन काल को जानते हैं, भूत भविष्य और वर्तमान सब कुछ जानते हैं। तमो भगवान खुद है जो मैं भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानता हूं, इसलिए उसी को ग्रहण करना चाहिए जो कि भूत भविष्य और वर्तमान सब कुछ जानता है। जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि देखो अर्जुन, तुम क्यों इतना शोक करते हो, तुम हम और जितने सिपाही और राजा लोग इधर आए हैं ये पहले भी थे, अभी भी है और आगे भी रहे, इसका नाम है भूत भविष्य वर्तमान समस्त। जो इस प्रकार भूत भविष्य वर्तमान समझते हैं, जिसका आंख 3 इंची नहीं है, अभी बत्ती बुझ जाए तो आंख सब खत्म हो जाए, वो नहीं, वो बत्ती जले और न जले देख सकता है भूत भविष्य, उनसे सुनना चाहिए, उनको बात लेना चाहिए, और नहीं तो अंधा तथा अंधी रूपनीय मान, एक अंधा और अंधे को पार कर रहे हैं, सभी गड्ढे में गिर जाए। हरे कृष्ण, थैंक यू। पशु जो होता है चार पैर आना, वो 30 लाख किस्म का होता है, और मानुष आकृति लोग, मनुष्य जो होता है वो 4 लाख किस्म का होता है। तो मनुष्य जाति बहुत ही कम है, और सब जानवर जितने हैं जल से शुरू करके आकाश तक, केचर भूचर जंगम स्थावर, उनका नंबर ज्यादा है, जो भगवान सबको खाने को देता है, वो जो जल का जानवर है, थल का जानवर है, हाथी है, शेर है, सबको भगवान खाने को देता है। वो जो जल का जानवर है, थल का जानवर है, हाथी है, शेर है, सबको भगवान खाने को देता है। नित्य नित्यानाम चेतना चेतना नाम एक बहुनाम विदधाति कामान, ये वेद में कहते हैं, ये एक जो नित्य वस्तु है भगवान, चेतन भगवान जैसा चेतन वस्तु मैं भी चेतन वस्तु, अभी भगवान से हमसे फर्क क्या है, भगवान सबको खाने को देता है और हम खाने के लिए भटकता, इतना ही फर्क बस। और ये मूर्ख लोग कहते मैं भगवान, देव सबको खाने को दो, तो अपना परिवार को तो खाने को नहीं दे सकते हो, संन्यास लेके बाहर चले जाते हो और भगवान हो, ये सब मूर्खता। एक बहुना अमृतदाद का, ये जो 84 लाख जोनी जीवात्मा भ्रमण कर रहे हैं, सबके लिए खाने का सोने का आहार निद्रा भय महत्व, उनको सब व्यवस्था भगवान कर, एक बहुना अमृतदाद का, इसलिए भगवान कहते हैं एक जोनी भूतानी सर्वाणी इति सर्वाणी 84 लाख जोनी सबके सृष्टि स्थिति प्रलय जो कुछ है वो मैं उसको करने वाला, ये भगवान, इसका नाम भगवान। एतत् जोनीनि सर्वाणि, एतत् जोनीनि भूतानि सर्वाणि इति उदाहरणं अहं कृष्णस्य जगतः
सारा विश्व ब्रह्मांड अहम कृष्ण से जगत प्रभावत प्रलयस्त था। उसको सिस्टी स्थिति प्रलय जो कुछ होने वाला है भगवान उसका कारण, इसके इसलिए भगवान का नाम है सर्व कारण कारण, सब कारण के कारण। साधारण सृष्टि करते हैं ब्रह्मा जी और स्थिति करते हैं विष्णु और प्रलय करते हैं श्री महादेव, तीन काम तीन गुण का मालिक। जैसा गवर्नमेंट ऑफिस में एक डिपार्टमेंट में डायरेक्टर रहते हैं, इसी प्रकार जब सृष्टि होती है जो ऑफिशियल डायरेक्टर जो होते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि करना, विष्णु जी का काम है उसको पालन करना। पालन तो ब्रह्मा भी नहीं कर सकते, शिव भी नहीं कर सकते, एको बहुनाम विदधाति कामान, वो विष्णु। तो ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं और विष्णु पालन करते हैं और शिव जी का काम है ध्वंस कर। बस जब इसको ध्वंस का जरूरत होता है वो शिव जी का काम है। जैसे कोई मकान बनाता है और मकान कोई उसको पालन करता है और कोई मकान तोड़ता है, जैसा आप लोग जानते हैं, इसी प्रकार ये जो मकान है विश्व ब्रह्मांड, इसको तैयार करने वाला ब्रह्मा जी और इसको पालन करने वाला है विष्णु और इसको तोड़ जाने वाला वो शिव जी महेश। ये काम चलता है भूत्या भूत्या प्रलीयते। ये जो जगत है भौतिक जगत, इसी प्रकार सृष्टि होती है, कुछ दिन ठहरता है फिर प्रलय होता है। तो जैसा कोई भी हम लोग हो, एक मकान में आप गए और कुछ दिन ठहरा और फिर संवाद आया चलो जी ना मकान से निकलो, ये मकान तोड़ ही गए, इसको तोड़ने होगा, तो आपको ठीक लगता क्या? देखो जी एक मकान में गया वही तोड़ दिया, और एक मकान में गया वही तोड़ दिया। एक अपना मकान अगर बना लेता है तो ठीक हो। ये जैसा भीतर में ये विवेचना होता है, इसी प्रकार समझना चाहिए। ये जो हमको शरीर मिलता है भौतिक शरीर, एक और जोनी में 84 लाख जोनी में हमको भ्रमण करना पड़ता है, इसको किस तरह से बंद किया जाए वो बुद्धिमान का काम। और न तो चलो साहब आप तो शेर जी बन गया और कल सुअर बन गया, परसों इंद्र बन गया, परसों उसके बाद चींटी बन गया, भुक्ता भुक्ता प्रलीयते। एक शरीर मिलता है कुछ दिन ठहरता है फिर प्रलय हो जाता है, फिर अपना का कर्म का अनुसार और एक शरीर मिलता है वो भी कुछ दिन ठहरता है फिर तोड़ने पड़ता है। ये काम चल रहा है। बाकी हम लोग जो मूर्ख है नहीं जानते हैं, इसलिए आचार्य से शिक्षण लेना चाहिए। जो जैसे चैतन्य महापुरुष कहते हैं कि यही रूपे ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भगवान जी गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता दी। इसी प्रकार भ्रमण कर रहे हैं नाना जोनी और ऐसे ही भ्रमण करते करते यदि कोई भगवान हो तो उसको ठीक ठीक गुरु मिल जाता है कृष्ण का इच्छा से, और वो कृष्ण को मिला देते हैं। कृष्ण गुरु को मिला देते हैं और गुरु कृष्ण को मिला देते हैं, गुरु कृष्ण कृपा। जो ये समझता है, देखो जी ये बड़ा झंझट है, एक एक बार जन्म लेना फिर मरना, इसका कोई उपाय है भगवान? कोई उपाय बताइए। जो वास्तविक भगवान से प्रार्थना करते हैं उसके लिए भगवान अच्छा गुरु उनको मिला देते हैं। इसलिए कहते हैं गुरु कृष्ण कृपा, दोनों का कृपा होनी चाहिए, भगवान की कृपा गुरु की कृपा, तब ये जो भुत्ता भुत्ता पर लिए थे एक एक बार जन्म लेना और मरना ये बंद हो सकता है। भक्ति लता भी, और किस तरह से वो भक्ति लता भगवत भक्ति द्वारा। तो भगवान कहते एतद् जननी भूतानी सर्वाणी तु उदाहरय अहं कृष्णः। देखिए भगवान सब जगह में अहम किया, मैं
मामे मजा प्रबंधन सर्वधन मान प्रतिशत माम एकम, ये शब्द व्यवहार अहम माम भगवान अपने को बता दो अहम सर्व कृष्णस्व अहम कृष्णस्व जगत प्रभव प्रलय तथा तो क्यों आप क्यों हो गया और कोई नहीं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बड़े बड़े सारे अनेक देवता है तो कोई पूछ सकता है जैसा मूर्ख लोग अभी भी पूछता है कृष्ण अकेले क्यों भगवान हो जाएंगे हमारा और एक भगवान है अवतार है दाढ़ी वाला भगवान है वो अवतार है एक बालक अवतार है ये सब आजकल अवतार तो रस रस में घूमते हैं फिर भगवान कृष्ण क्यों अकेले भगवान हो जाएंगे वो बोले ना जहां आप लोग कृष्ण को मान सकते हैं बाकी हमारा मत अलग है हमारा भगवान अलग है इसे बोलता है मैं उसको जानता नहीं जो वास्तविक कृष्ण क्या चीज है इसलिए कृष्ण स्थान कहते हैं मत परतरंग नान्य परतर और मुझसे बढ़कर के ऊंचे पोजीशन में नान्य और कोई है नहीं भगवान का समान भी कोई है नहीं और भगवान का ऊपर आला भी कोई है नहीं सब नीचे वाला इसलिए भगवान का और एक नाम है असम ऊर्ध असमोर्ध जब भगवान विराट रूप अर्जुन को दिखाया था उस समय अर्जुन ने बताया कि आप असमोर्ध आपका समान भी कोई है नहीं और आपका ऊपर भी कोई तो भगवान खुद भी कहते हैं मत परकरम नानक किंचित अस्ति धनंजय मुझसे बढ़कर के और कोई परतत्व है तो जो बुद्धिमान है वो कृष्ण को ही पकड़ के रखते हैं उनका ही चरणारविंद को पकड़ के रखते हैं बस इतना अगर हम लोग समझ जाए जो कृष्ण से बड़े और कोई है ही नहीं बस कृष्ण का चरण पद्म के है उनको अच्छी तरह से हम पकड़ और भगवान कहते हैं मां में ही वजह प्रबंधन के माया में दान कर उसी वगत मुक्त हो माया से मुक्त होना इसका नाम है मुक्ति और कोई अगर समझ लिया ठीक ठीक से कि कृष्ण से परतत्व तो है नहीं और कृष्ण का चरण में प्रपन्न हो गया वो जल्दी नहीं होता है भवनाम जन्म नाम जल्दी हो तो बड़ा बुद्धिमान है जैसे भगवान कहते हैं मत तब परतरम नानना और मुझसे परतत्व है नहीं फिर हम दूसरे को क्यों भजन करें क्यों ना कृष्ण को ही केवल भजन करें मान एकम ये बुद्धिमान का काम और जो अबुद्ध है मन्नते माम अबुद्ध है भगवान जैसे कहते हैं कि अब भक्तम भक्ति मापन्नम मन्नते माम अबुद्ध है ये जो मूर्ख लोग होते हैं वो कहते हैं जो परतत्व है वो निराकार है और वो निराकार जब अपना सगुण ये सततम सत्तरज तम से शरीर धारण करता है उसका नाम है भगवान तो उसका जवाब भगवान देते हैं अब भक्तम भक्ति मापन्नम मन्नते माम अबुद्धय उसकी बुद्धि कम है लेस इंटेलिजेंट वो फंड ऑफ नॉलेज वो कहते हैं जो भगवान निराकार है अभी ये सगुण होकर के साकार होकर के आए ये कौन बोलता है अबुद्ध जो भगवत तत्व तो जानते हैं वो बोलता है भगवान खुद कहते हैं कृष्णा मत पर तरह नान्य और कोई पर तत्ता है मत पड़ता हूं सब शास्त्र में ही कहते हैं जो तत्ववस्तु क्या चीज है तत्ववस्तु बदंती तत्वविद सत्यम वो जो तत्वविद है जो तत्व को जानने वाले वो उस चीज को तत्व कहते हैं क्या चीज है बदंती तत्वविद सत्यम जब ज्ञानम अद्वयम जो कि एब्सोल्यूट नॉलेज अद्वय ज्ञान वो क्या चीज न ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते वो तत्वस्तु जो है
अपना बुद्धि का अनुसार, कोई कहते हैं निराकार ब्रह्म, कोई कहते हैं परमात्मा, और जो असल है वो जानते हैं भगवान, आखिरी में भगवान। जैसे सूर्य भगवत तत्व ज्ञान, आप थोड़ा अगर दिमाग को लगाइएगा बहुत जल्दी मालूम हो जाए। देखिए जैसे आपके सामने सूर्य है और सूर्य का किरण भी है और सूर्य का भीतर भी लोक है, जैसा ये पृथ्वी एक लोक है, इधर बहुत आदमी है, इधर राजा है, इसी प्रकार सूर्य लोक जो है, उधर का जो राजा है उसका नाम है सूर्य नारायण, साधारण नाम। अभी जो सूर्य नारायण है उसका नाम भी है, भगवद गीता में बताए हैं विवस्वान, उनका नाम है विवस्वान। विवस्वान मनवे प्राहो मनुखा कविद्रवी, तो ये सब शास्त्र ने दिया। अभी जो उधर गवर्नर है उसका नाम है विवस्वान। तो सूर्य नारायण उनको तेज है, तेजस्वी, वो तेज सारा विश्व ब्रह्मांड में फैला हुआ और उसका नाम है सूर्य किरण। अब विवेचना कीजिए, वो सूर्य नारायण बड़ा है या सूर्य किरण बड़ा है? कोई कहेगा सूर्य किरण बड़ा, नहीं, सूर्य नारायण बड़ा, क्योंकि किरण कहां से आता है, कहां जहां से किरण आता है वही तो बड़ा होगा। नहीं, हम लोग ये जो प्रत्यक्षवादी है कि वो उसी को ग्रहण कर, इसी प्रकार भगवान का जो अंग ज्योति है, जैसे सूर्य नारायण का किरण है, इसी प्रकार भगवान का भी एक अंग ज्योति है जिसका नाम है ब्रह्म ज्योति। इसलिए भगवान का ब्रह्मनो अहं प्रतिष्ठा, ये जो निराकार ब्रह्म है उनकी प्रतिष्ठा मैं हूं, क्योंकि हमारा अंग से ये ज्योति निकलती है। और ब्रह्म संहिता भी कहते हैं जस्त प्रभा प्रभवतो जगदंड को, ये सब विचार है कि मूर्ख लोग जो नहीं समझते हैं, मैं मूर्ख नहीं कहता हूं, भगवान कहते हैं अब जान उसी मान मूढ़ा, मूर्ख लोग मूढ़ा मानसिन तुम वासित, क्योंकि ये जगत को कृपा करने के लिए हम मनुष्य ऐसे के लिए लीला कर रहा हूं, मनुष्य कैसे नहीं, मनुष्य बाहर नहीं उठा सकते हैं। बाकी हाँ ऐसे मालूम होता है कृष्ण वृंदावन में मनुष्य लीला कर द्वारका, बाकी मनुष्य है नहीं, जब जरूरत होता है भगवत्ता दिखाते हैं। 7 बरस उम्र में पहाड़ को खा लिया, 16,000 रानी को शादी कर लिया, ये क्या मनुष्य से हो सकता है? और क्योंकि मनुष्य से हो नहीं सकता, जो मूर्ख मनुष्य है वो कहता है ये सब कह रहता है जी, ये कभी हो सकता है, क्योंकि उसका दिमाग में घुसता नहीं, तो मिथ्या हो गया बस। तो ये सब चलता है, इसलिए भगवान खुद आकर के समझाते हैं, अगर हमारा दिमाग ठीक है तो इसको पकड़ ले, समझे भगवान को। अब समझ गया भगवान को तो फिर क्या बात है, तत्ता देह पुनर्जन्म नहीं थी मानी थी कौन थे, ये सब बातें हैं। भगवान कहते हैं मत परतरंग नान किंचित अस्थि धनंजय मई सर्वमिदं क्रोतं सुश्रे मणि गनाय, जैसा मणि का हार होता है उस सूत्र में हजारों मणि अब लगा दीजिए गस लीजिए, किसी प्रकार दुनिया में जो कुछ है उसका सूत्र जो है उसका मूल जो है अहं सर्वस्व प्रभव, मूल पुरुष जो है गोविंदम आदि पुरुष, वो जो आदि पुरुष है वो भगवान कृष्ण। इसलिए भगवान खुद बताते हैं, तो शास्त्र इसी प्रकार समझना चाहिए, जो भगवान जैसे बता रहे हैं। इसलिए हमारा जो भगवद गीता है मैक्मिलन कंपनी इसको पब्लिश करता है, वो मैक्मिलन कंपनी का जो ट्रेड्स मैनेजर है वो कहते हैं कि ये जो भगवद गीता है इसको सेल बहुत बढ़ती है, और सब भगवद गीता का सेल कम हो, और एक एक बरस में एक एक एडिशन निकलता है, कम से कम 50,000,000,000 एक दफे छपता है। तो क्योंकि हम लोग भगवद गीता एज इट इज प्रेजेंट किया है, इसका मांग भी बहुत ज्यादा,
लेकिन असल चीज है ना, कोई भी असल चीज है, असल सोना है, असल दूध हो तो उसको ग्राहक बहुत जल्दी मिल जाए, और मिलावटी नकद उसको कैनवस करके बेचनी पड़ेगा। तो असल जो भगवान है उसको तो जल्दी स्वीकार कर लेते, चाहे इस देश में परदेश में, और नकल भगवान को कोई स्वीकार नहीं करता। दो चार लोग स्वीकार करेंगे तुम लात मार के फेंक दो, ये समझ न थे। मत तो अपरतरंग नाना किंती जो धनंजय सर्व कारण, जो ब्रह्म संहिता में बताया सर्व कारण कारणम, वही भगवान खुद भी कहते हैं मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणि गणाय। तो भगवान ही मूल कारण है। गोविंद नमादि पुरुषम तमाम भजन, इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं जो गोविंद जो आदि पुरुष मैं उसको भजन करता हूं। और ब्रह्मा ये ब्रह्म संप्रदाय है, ये जो हम लोग गौड़ीय संप्रदाय है, ब्रह्मा से माध्याचार्य, माध्याचार्य से गौड़ीय चैतन्य महाप्रभु, माध्याचार्य संप्रदाय में माधवेन्द्रपुरी उनका शिष्य ईश्वरपुरी उनका शिष्य श्री चैतन्य महाप्रभु, और श्री चैतन्य महाप्रभु का शिष्य परंपरा से हम लोग। तो इसको कहा जाता है एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजन से, तो भगवत तत्व ज्ञान लाभ करने के लिए वो परंपरा सूत्र से लेना चाहिए। अपना मन माफे मैं ऐसा समझता हूं, तुम क्या समझने वाला, तुम्हारा क्या दिमाग है। जैसे बड़े बड़े आचार्य लोग समझे हुए हैं, चैतन्य महापुरुष जैसे समझे हुए हैं, रामानुचार्य जैसे समझे हुए हैं, मध्याचार्य जैसे उस तरह से समझो, अर्जुन जैसे समझे हुए हैं उस तरह से समझो, तुम्हारा क्या दिमाग है। कोई कह दिया हमारा मत में, अरे तुम्हारा मत का क्या मूल्य, बस यही चलता है हमारा मत में, और एक वक्त हमारा मत में, और कोई दिया हमारा मत है, कौन सा मत ठीक है, मैं बोलते सब मत ठीक, जब तो मत तब जितना मत है सब ठीक, ये सब बेकूदी चलता है। तो ये सब बेकूदी छोड़ करके जैसे भगवान बताते हैं उस प्रकार ग्रहण कीजिए, लाभ होगा, उसमें उपकार होगा, जीवन सफल होगा, नहीं तो भटकते ही जाएंगे। बस मत का परतरंग नान्या किम चीज अस्ती धनंजय, ये भगवान खुद कहते हैं सर, अर्जुन भी मानते हैं, और बड़े बड़े ऋषि व्यासदेव नारद, व्यासदेव भागवत गीता ओम नमो भगवते वासुदेवा उसका टिप्पणी लिख रहा है जो चित मकरंदा कृष्णा सिद्धार्थ जीव गोस्वामी बड़े बड़े साहब विद्वान कर सब कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण तु भगवान स्वयं, यही विचार है सब आचार्य लोग। ये सब विचार छोड़ करके कई एक गधा कहीं से आ रही है उसको विचार लेने से क्या लाभ हो, बड़े बड़े आचार्य लोग का विचार छोड़ करके कहीं से कोई आ गया मूर्ख, कोई कह दिया मैं भगवान है, भगवान का अवतार है, इसको मानने से क्या लाभ हो। अरे तुमको भगवान का अवतार है, मैं तो खुद भगवान को भजन कर, क्या अवतार से हमारा मतलब क्या, तुम झूठ हो सकते हो, बाकी कृष्ण तो झूठ नहीं है, सब कोई मानते हैं, तो कृष्ण भी पकड़ने ले, ये बुद्धिमान रखा, दूसरे काम को पकड़ने की क्या जरूरत है। नहीं वो जो हमारा जो बदमाशी है वो सपोर्ट करेंगे, इसलिए उसका भगवान मानेंगे, अब कृष्ण तो सपोर्ट नहीं करेंगे। कृष्ण कहे तान हम जिसे तूरान छिपानी अदर्शन, जो भगवान की हिंसा करते हैं, भगवान कहते हैं मैं उसको अदर्श अंध ज्योति में भेज दू, इसलिए कृष्ण भगवान बड़ा कट्टर है उसको नहीं। जो आओ जो भगवान का बता रहे हैं धोखा देने वाला उसका हम माने, बाकी जो बुद्धिमान है वो ये भगवत गीता का अनुसार कृष्ण को मानेंगे। मत्ता परतरंग नान्य किंती जस्ती धनंजय, फिर भगवान साधारण के लिए समझा रहे हैं जो जल्दी भगवान को समझ नहीं सकोगे। तो भगवान तो पहले बता दिया जो कुछ है
हाँ, भौतिक प्रकृति और चित प्रकृति ये सब हमारी शक्ति है प्रकृति। तब किस तरह से सब जैसे सब चीज से ही भगवान का अनुभव किस तरह से करना है वो भगवान खुद समझा रहे हैं। सब चीज जब भगवान की जैसा उदाहरण स्वरूप कि दुनिया में भौतिक जगत में जो कुछ चीज है ये सूर्य किरण का परिवर्तन है, ये साइंटिफिक वैज्ञानिक हिसाब। देखिए जिस जिस में सूर्य किरण नहीं होता है, हाँ होता नहीं माने कम होता है, जैसे पाश्चात्य देश मैं तो सब जगह भ्रमण किया, हाँ जहाँ सूर्य किरण नहीं होता है विशेष करके ये नाम शीतकाल में ये सब पत्ती झड़ जाए, आप लोग जानते हैं जहाँ बर्फ गिरता है, क्योंकि सूर्य किरण है नहीं, वो सब ब्यूटी जो वेजिटेशन ग्रीन में सब नष्ट हो जाता है। ज्यादा सूर्य किरण जहां होता है वो तो डेजर्ट हो जाता है, मरुभूमि हो जाता है, और सूर्य किरण जहां ठीक ठीक होता है उधर पानी भी बरसता है, उधर हरियाणा रहता है। ये सब दुनिया जो कुछ है सूर्य किरण का सृष्टि, जितना अगर प्लैनेट है, इसलिए सूर्य को नाम दिया गया है। जब चक्षुरेश सरिता सकल ग्रहाना राजा समस्त सुरमोची अशेष तेजा, समस्त ग्रहाना राजा, ये सूर्य किरण से जितने प्लैनेटरी सिस्टम है लोक है, ये जो वेटलेसनेस है एक एक लोक ग्रह हवा में घूमती फिरती है, ये भी सूर्य किरण के लिए, उस सूर्य किरण का गर्मी से वो घूमता फिरता है, ये साइंटिफिक है। तो इसी प्रकार जब एक तरह से आप समझ लीजिए सभी सूर्य किरण का ही एक एक विकास है जो कुछ दुनिया में, तो इसी प्रकार भगवान यदि सबका विकास का कारण है तो किस तरह से भगवान को मैं अनुभव कर सकता हूं, यही सब भौतिक विचार से वो भगवान खुद हमको बता रहे हैं। क्या बता रहा है? रसो हम अक्षुतोंती तुमको श्रीमंग मुरारी विभुज मुरलीधर कृष्ण को भगवान मानने में अगर तुम्हारा आपत्ति है तो इस तरह से भगवान को समझो। क्या है ना, रसो हम अक्षुतोंती, जो ये जो पानी इसका जो रस है इसमें जो शांति मिलती है, क्योंकि हम लोग सब रस का पीछे जाते हैं, द्वादश प्रकार रस होता है, तो रस का पीछे हम लोग सब फंसे हुए, क्योंकि रसो वही सा वेद में कहते हैं सब रस का आधार भगवान कृष्ण। और जीव गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बताए अखिल रसामृत सिंधु, सब रस के आधार है, तो सब रस का आधार होने का कारण ये जो जल है उसमें भी भगवान कहते हैं इसमें जो रस है, जल क्यों पिया जाता है उसमें कुछ रस है तभी तो हम लोग पीते हैं, जब बहुत प्यास लगता है तो जल चाहिए, जल दीजिए, सब जल जीव जंतु सभी जानवर भी जल पीते हैं, कीट पतंग सब जल, वृक्ष सब जल चाहिए, वृक्ष केवल जल पी के ही रहता है पादप, तो जल बहुत ही जरूरी चीज है, इसलिए भगवान कहते हैं कि उसमें जो रस है आसाधनीय वस्तु उसका जो एक्टिव प्रिंसिपल है वो मैं रसो हम अब सुकौनते हैं प्रभास्मी शशि सूर्य, और ये जो शशि और सूर्य चंद्र और सूर्य इसके जो किरण है वो मैं, तो क्या हो ये लोग झूठ बोलता है जो भगवान को मैं देखा नहीं, आप भगवान को दिखा सकते हैं, अरे भगवान तो खुद दिखाता है, देखो ना, अगर तुम आग भूत के रहोगे तो तुमको कौन दिखाएगा, भगवान खुद कहते हैं ये जो रस पानी का जो रस है जल का जो रस है मैं, जब पानी पियो उस समय क्यों ना भगवान का स्मरण करो,
देखो जी, कृष्ण जी भगवत गीता में बताया है ये जो जल का रस है ये भगवान कृष्ण है, तो हमारा स्मरण तो हो जाएगा बाद भी तो ठीक है। तो कृष्ण दर्शन किया केवल ये इधर आके होता है नहीं, अखिल आत्मभूत गोलोक एव निवसति अखिल आत्मभूत।